दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों पहली खबर में देखिए, बिहार के 15 लाख किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अगली किस्त वंचित होंगे, जाने वजह। जी देखिए, बिहार के 15 लाख से अधिक किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि अटक सकती है। अब तक इन्होंने आधार व भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है। 13वीं किस्त जनवरी में आनी थी, कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार अब यह फरवरी में आ सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि किस्त के भुगतान से पहले लाभुक किसानों को अपेक्षित जानकारी देनी है, यानी आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कराना अनिवार्य है। सरकार ने जिला कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया था। बावजूद इसके अभी तक प्रदेश के 15,83,107 किसानों ने आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 83,29,641 है। इनमें से 67,46,534 ने आधार और भूमि का सत्यापन करा लिया है। करीब 10 लाख किसानों ने आधार का सत्यापन नहीं कराया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 30 और 31 जनवरी को फिर से गिरेगा पारा, बदल रहा है मौसम का मिजाज। जी देखिए, मौसमविदों का कहना है कि अभी ठंड का एक और चक्र और आना बाकी है। मौसम वैज्ञानियों ने पूर्वानुमान करके कहा है कि 30 या 31 जनवरी से सुबह में फिर से ठंड बढ़ेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य भर में बादलों के छटने पर अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे आएगा। कहीं कहीं इसमें और ज्यादा गिरावट होने की शीत दिवस की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि अब राज्य में शीतलहर की स्थिति बनने के आसार कम है, लेकिन ठंड से अभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वही देखिए, बिहार में दिन भर में मौसम कई बार रंग बदल रहा है। सुबह आंशिक कुहासा और बादल छाए रहने से ठंड की स्थिति रह रही है, लेकिन दिन चढ़ते ही सूरज की किरणों के तेवर तल्ख हो जा रहे हैं। इससे दोपहर में गर्मी की स्थिति बन रही है। कभी बसंती बयार कर रही है तो शाम ढलते ही शुष्क पछुआ हवाओं की वजह से लोगों को ठंड सता रही है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट की 21 प्रस्तावों की मंजूरी, 24 फरवरी से बजट सत्र, कई विभागों में होगी बम्पर वर्दी। जहां देखिए, पटना में कल सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों की मंजूरी मिली, साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लगी है। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है। राज्य कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 321 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। वहीं देखिए, कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा स्वास्थ्य सामान्य प्रशासन समेत विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। बता दें कि मुंगेर जिले में वानिकी महाविद्यालय में 204 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अंतर्गत लिपिक 18 अस्थायी पदों की स्वीकृति मिली है। वहीं वित्त विभाग में कार्यालय परिचारी के 229 पद, निम्न वर्ग लिपिक के 49 पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं महिला चरक समिति के लिए 200 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, अब जीविका दीदीया करेगी अस्पतालों में कपड़ों की आपूर्ति व सफाई। जी देखिए, राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति व उसके भवनों एवं परिसरों की साफ सफाई जीविका दीदी करेगी। इसके साथ ही जिला अस्पतालों व अनुमंडल अस्पतालों में कपड़ों की धुलाई की व्यवस्था भी जीविका दीदी के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, कुशवाहा ने जेडीयू को दिया खुला चैलेंज, 2 फरवरी को मना रहे हैं जगदेव बाबू की जयंती। जहां देखिए, बिहार में 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर राजधानी पटना में भी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को शामिल होना है। लेकिन अब जो इसको लेकर सबसे बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार कुशवाहा को इस समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी की तरफ से मना किया गया है। जिसके बाद अब इसको लेकर कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इशारों में ही कह दिया है कि हिम्मत है तो मुझे इस समारोह में शामिल होने से रोक कर दिखाए। दरअसल पूरे बिहार में जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है। इसको लेकर राजद की तरफ से भी आलोक मेहता लगातार जगह जगह जाकर क्या कर रहे और लोगों को बुला रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी पटना में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपेंद्र कुशवाहा को आमंत्रित किया गया। लेकिन जेडीयू की तरफ से कुशवाहा को इस समारोह में शामिल होने से मना किया गया है। जिसके बाद अब इसको लेकर कुशवाहा ने कहा कि
महात्मा पुलिस समता परिषद नाम की एक सामाजिक संस्था है जिसे हम जुड़े हुए हैं और किसी की तरफ से मुझे बुलावा आया है, मुझे अपने शामिल होना है और मैं बिल्कुल इस समारोह में शामिल होऊंगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह थीम पर होगी पेटीएम। जी हां देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूल की तरह थीम पर पेटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल के तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन हो रहा है। शनिवार को भी बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पेटीएम होने जा रही है, लेकिन इस बार की पेटीएम पिछली बार के आयोजन से अलग होगी। दरअसल अब तक यह आयोजन बिना किसी थीम के होता था, लेकिन अब प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अहम बदलाव किया है। विभाग की कवायद है कि महीने में जिस भी दिन राष्ट्रीय प्रतीक या बिहार से जुड़ी चीज़ों का आयोजन होता है, पेटीएम में इसे थीम को जगह दी जाएगी। इसे कड़ी में शनिवार की पेटीएम की थीम गणतंत्र दिवस होगी। शनिवार क्लास 6 के बच्चों की पेटीएम होगी और इसका थीम गणतंत्र दिवस है। इसी तरह क्लास 7 के छात्रों के लिए अगली पेटीएम 25 फरवरी को होगी और इसकी थीम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगी। अगली खबर में देखिए, तेजस्वी यादव ने किया बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन। 3 दिनों तक कैलाश खेर समेत कई दिग्गज कलाकार देंगे प्रस्तुति। जी देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को 3 दिनों तक चलने वाले बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री भी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाले इस बौद्ध महोत्सव में सूफी गायक कैलाश खेर समेत कई दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बोध गया व गया के लोगों के बीच इस महोत्सव को लेकर खास उत्साह है। लोग दूर दूर से इस कार्यक्रम को लुप्त उठाने के लिए आए हुए हैं। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विदेशी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। स्थानीय कलाकार दिन में प्रस्तुति देंगे, जबकि बाहर के आए कलाकारों की प्रस्तुति रात में होगी। इसके अलावा 9 राज्यों का ग्राम श्री मेला भी आयोजित किया गया है। इस मेले में भारत के 9 राज्यों की ओर से अपने अपने राज्य के उत्पाद का स्टॉल लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने कल ग्राम श्री मेला का भी जायजा लिया। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आज से होगा डाउनलोड। जी हां देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 28 जनवरी 2023 को बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2022 जारी करेगा। जो उम्मीदवार 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे, वे बीपीएससी की आधिकारिक साइट bpsc.government.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी 2023 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा बिहार राज्य के 38 जिलों के 805 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार की आबादी में 1.61 करोड़ परिवार की हुई बढ़ोतरी। पटना की जनसंख्या 73 लाख से अधिक। जी देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को मिली है, उसके अनुसार राज्य में परिवारों की संख्या 3.5 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इससे संबंधित पूरी समेकित रिपोर्ट तैयार होने में अभी समय लगेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में परिवारों की संख्या 1.89 करोड़ थी। 12 वर्षों में इसमें से 61 लाख वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देखिए, राज्य में 1.25 करोड़ घर या बसावट होने का भी आकलन किया जा रहा है। कई जिलों से सांसद रिपोर्ट आने में अभी देरी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में जाति आधारित गणना का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा होने के बाद पटना समेत कुछ अन्य जिलों से अधूरी रिपोर्ट आने के बाद सभी जिलों को इसे 25 जनवरी तक जमा करने को कहा गया था। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 3.5 करोड़ परिवार होने का अनुमान है। बड़ी खबर में देखिए, अग्निवीर बहाली प्रक्रिया में बदलाव। पहले होगी लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता की जांच। जी देखिए, सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा पहले होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, फिर मेडिकल की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। बता दें कि अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर देना है। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर देना है, कितने समय में देना है, यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 से लागू होगा। इससे स्थानीय बोर्ड जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। में देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस तारीख से पहले करें आवेदन। यह देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परीक्षा बोर्ड से वर्ष 2021 व 22 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में
उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा वर्ष 2021 में 10,000 व परीक्षा वर्ष 2022 से 25,000 रुपए मिलेंगे। NIC द्वारा विकसित एक कल्याण पोर्टल को MEDHASOAPT यानी कि medhassoft.bihar.nic.in के माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्राओं को इंटर परीक्षा का पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्मतिथि, नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व अविवाहित होने की घोषणा अंकित करनी होगी। इसका सत्यापन जिला मुख्यालय करेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार से बंगाल का सफर होगा आसान, 100 से अधिक बसों का होगा परिचालन। यदि कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच 100 से अधिक नई बसें चलाई जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने वाहन के मालिकों से आवेदन मांगे हैं। बिहार और बंगाल के बीच 45 रूट निर्धारित है। इनमें से 31 रूटों पर वर्तमान में रिक्तियां हैं। इसमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, राजगीर, सासाराम, औरंगाबाद आदि शहरों से बंगाल के कोलकाता, सिलीगुड़ी, मालदा, दुर्गापुर, बलोराघाट, हावड़ा, ठाकुरगंज आदि शहरों तक बसें चलाई जाएगी। इन बसों के परिचालन से लोगों को बिहार से बंगाल जाने में काफ़ी सुविधा होगी। देखिए, बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से होगी गैस की सप्लाई, यानी कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट। जी हां, देखिए, बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से गैस की सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है। अभी बिहार के ऐसे 8 परियोजना पर काम हो रहा है। अगले 5 से 7 साल में बिहार के सभी शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है। 2024 तक पूरी हो जाने वाली परियोजनाएं अब 2028 तक पूरी होने की बात कही जा रही है। अगर मैं देखिए, बिहार में जल्द खुलेंगे 9 नए डिग्री कॉलेज, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। इन जिलों में छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में 9 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर, कटिहार जिले में मनिहारी, बेगूसराय जिले में तेगड़ा व बलिया, पूर्णिया जिले में बायसी, दरभंगा जिले में बेनीपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा और नालंदा जिले में राजगीर शामिल है। राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य योजना मद से जारी की गई है। सोमवार को मंजूर राशि में से 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना मद में इन डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए 21 करोड़ रुपए और दिए जाने हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिम्मेदारी गई है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में केवल 5 करोड़ रुपये सोमवार को जारी किए गए हैं। महालेखागार को इससे अवगत करा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।